हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्यों हम इसे यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या देखा था, इंटीजर देखा था। इंट जो था इंटीजर, उसमें क्या था कि हम क्या कर सकते थे, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, इस तरह से जो पूरा कंप्लीट नंबर जो होता था वो इंटीजर में लिखते थे। बट क्या है कि अगर हमें कुछ डिवीजन वगैरह करना है, कुछ काम ऐसे होते जहाँ पे हमें इस तरह से, मतलब 10.26, 1.26, इस तरह से हमें जो है डेसिमल पॉइंट जो होते उस नंबर पे काम करना पड़ता है। जैसे डिवीजन के लिए हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पे काम करना पड़ता है, जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स होता है उस पे काम करना पड़ता है। तो तब हमें जो इंटीजर काम में नहीं आता, इंटीजर हमें यूज करना नहीं होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसे यूज करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप क्या है, रिप्रेजेंट्स रियल नंबर विद फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि पॉइंट के बाद भी जो आते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए प्रोग्राम लिया हुआ है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है फ्लोट। अब देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर आपको यूज करने प्रोग्राम में है, तो ये कीवर्ड होता है फ्लोट नाम का, ये आपको यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले क्या लिया था, इंट ए लिया था। अब अगर आपको फ्लोटिंग नंबर यूज करना है, तो आपको फ्लोट नाम का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिया हुआ है फ्लोट ए इक्वल टू 1.65। इस तरह से अगर नंबर आपको रिप्रेजेंट करने काम करना है इस पर, तो आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे ज्यादातर ये डिवीजन वगैरह होती है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।